मॉर्निंग बच्चों बच्चों, सबसे पहले मुझे ये बता दो, वॉइस क्लियर है मेरी? विजिबिलिटी ठीक है या नहीं है? हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी। चलो अभी ठीक है, वॉइस क्लियर है? सभी बच्चे मुझे मैसेज करके एक बार बता दें, अनुराग, प्रियंका, पूजा, सभी बच्चे बता दें। हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली संदर्भ सीरीज जो हमारी चल रही है, उसका टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो तुम्हें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, और सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ही है, जल्दी से आंसर करना स्टार्ट करो। चलो चलो, सभी बच्चे एक्टिवेट हो जाएं जल्दी जल्दी, ऑलरेडी लेट हो गया है, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, फास्ट फास्ट आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर वन है ये हमारा, What do you call an organization of group of similar cells along with intercellular substance? Inter का मतलब हमेशा होता है within, intra का मतलब, sorry, inter का मतलब होता है between और intra का मतलब होता है within, यानी कि same उसमें। Voice crack है, okay। अभी ठीक है? क्यों? अभी क्या status है? क्या अभी भी तुम लोगों को voice crack आ रही है? हाँ? अभी ठीक है? एवरीबडी जल्दी बता दो मुझे। प्रियंका अभी क्लियर है? कमान बच्चा जल्दी बताओ, वीडियो में लाइक और शेयर भी करते हैं ना तुम लोग साथ में, ठीक है? सी सी, ओके, सी सी, यस एवरीबडी, सी इज द करेक्ट वन, टिश्यू। हम अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, इवन हम छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यही समय अपने आप को जज करने का तुम लोगों को, समझे? टू स्टेबलाइज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन अकर्स टू फॉर्म अ कॉमन फंक्शन? ठीक है, अब तुम लोगों को सिंपल जवाब देना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा कोई भी, और ना ही ज्यादा कोई परेशान होगा। यस एवरीबॉडी, अच्छा क्रैक है अभी भी, ओके, क्रैक है अभी भी, ओके। और अभी क्या स्टेटस है? क्यों अभी क्या है? अब बताओ जरा मुझे, मैंने माइक निकाल दिया, चलो अब बताओ, क्या अभी वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ जी बच्चों जल्दी बताओ, क्या अभी वॉइस क्लियर है? हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सी सी एवरीबॉडी, सी बोथ, यस बिंगो, फिजिकल और केमिकल, एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्या बात है, अच्छा है, तुम चलो जल्दी आंसर करो, सभी बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे, है ना बच्चों? चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एपिथेलियल टिश्यू? चार तरह के टिश्यू सिस्टम हमारा होता है ना, ठीक है? अभी भी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, क्या अब ठीक है? अब सभी बच्चे बताओ, अभी वॉइस ठीक है? क्या हो गया आज? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, यस बच्चों चलो चलो चलो, सभी आंसर करेंगे, सभी आंसर करेंगे। इट इज प्रेजेंट ओनली इन आवर लाइनिंग, ओके, सो इट इज प्रेजेंट ओनली एज आउटर लाइनिंग, ओके, कंटेन वेरी लेस इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है? ऑल ऑफ दीज, एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो तुम? एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है यहाँ पे। यस एवरीबॉडी, यस, कंटेन वेरी लेस इंट्रासेलुलर स्पेस, चाहे वो कॉलमनर हो चाहे वो क्यूबॉइडल हो, दोनों में हमें स्पेस जो है वो बहुत कम देखने के लिए मिलता है। यस ठीक है, ओके, सो जितने नए बच्चे आ रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते आएंगे, सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी को या नहीं आ रही, वरना तुम एक बार फिर से बता दो, मैं दोबारा से रीज्वाइन कर लेती हूँ। अगर वॉइस क्लियर नहीं है बच्चों बता दो प्लीज। ये नो मैम लिखने से क्या होता है? अब मैं इसको नो मैम को क्या समझूं कि वॉइस क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ अच्छा, देख लीजिए, चलो ठीक है, मैं भी देखती हूँ। और अब बताओ, और अब बताओ, आज के आफत आ गई इसको भी लग रहा है ना? अब बताएंगे सभी बच्चे? जी बच्चों जल्दी बताइए,
अभी ठीक है? एक्सीलेंट है या नहीं है? क्यों? एवरीबॉडी अभी ठीक अभी आ रही है? आगे बढ़ रहे हैं। ओके, मानिक कह रहा है नॉट क्लियर। ओके ओके ओके, नहीं है सही। ओके नहीं है सही। सो मैं क्या करूं, रुको। ओके मानिक कह रहा नहीं है सही। अभी ठीक है? कम ऑन एवरीवन, गिव मी आंसर फास्ट फास्ट एवरीबॉडी। यस बच्चों, यस यस प्यारे बच्चों, सभी आंसर करेंगे। हाँ जी, मैं कुछ बोलूं तब समझो कि आवाज आ रही है तुम लोगों को क्लियर या नहीं आ रही है। अब ठीक है? ओके बिंगो। चलो एवरीवन जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। मानिक चलिए आंसर करिए, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। हो गया, थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा हो चुका था ऑलरेडी। अब फोर्थ नंबर पे आ जाओ जल्दी से, फास्ट फास्ट, आई नीड फास्ट आंसर। ओके सभी बच्चे फास्ट आंसर करेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, एज दे आर लाइनिंग। कौन सा ऑर्गन है जहां पर यह चीज प्रेजेंट होती है? सिंपल एपिथेलियम की बात हो रही है यहाँ पे। यस एवरीबॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सिंपल एपिथीलियम टिश्यू? हाँ जी, यस यस, स्किन ऑफ माउथ। यस ठीक है या नहीं है? है कि नहीं सही? ओके नो योर वर्ल्ड आ गया। दिल्ली दिल्ली में कहाँ से हो? आई एम टाइफाइड इन्फेक्टेड नाउ। अविनाश प्लीज बच्चा टेक केयर, प्लीज बच्चा अपना बहुत ध्यान रखो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा तुम्हें खाने हैं, और बहुत बहुत ज्यादा इस समय रिस्की है ये सारी चीजें, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम रिकॉर्डेड देख लेना। हाय निहारिका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राकेश, सभी बच्चे। चलो ठीक है, मैं दिल्ली एनसीआर इंदिरापुरम से हूँ बच्चे, ठीक है? क्लियर है ये चीज? क्लियर है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया तुम लोगों का? ओके तो ए एंड बी, मैं भी तो कहीं टिक करने जा रही थी, और कहीं बोथ ए एंड बी डक्ट्स में और ट्यूब्स में, हमें दोनों में लाइनिंग देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन बच्चों। सभी बच्चे जो नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाएंगे और शेयर करते जाएंगे अपने फ्रेंड्स में, ठीक है? ये मैम के लिए करना है आपको, और किसी के लिए नहीं करना है, ठीक है? सो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन तुम लोगों के सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करो। Which of the following tissue has a free surface? ठीक है, यहां पर बात हो रही है फ्री सरफेस की। गुड इवनिंग निहारिका, चलो बच्चा आंसर करेंगे। हार्ट्स, मैम अपने आंसर की, ओह शिट, एक्चुअली कल से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है हर्ष, ठीक है? आई विल ट्राई कि मैं आज तुम्हें दे दूं, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 आंसर करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सिंपल एपिथीलियम, ये तो हो गया ना हमारा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस? फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग, ठीक है? तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? एपिथीलियल टिश्यू। यस यस एवरीवन, नहीं बच्चा डी नहीं होगा, सी होगा। निहारिका आप ढंग से करो, ठीक है? वीडियो में लाइक्स करते रहना सभी बच्चे, जो भी नए नए जुड़ रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल एपिथीलियम? इनमें से नॉट पूछ रहा है, हमेशा याद रखना जब भी कभी नॉट वाली कहानी पूछे तुमसे, ठीक है? तो स्क्वामस सेल्स, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, या फिर नन ऑफ दीज? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। यस बच्चे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है सिंपल एपिथीलियम, कोई नहीं है कि नहीं? है ना बच्चा? यस बच्चों क्लियर है? कैन आई मूव फॉरवर्ड? ओके सो वीडियो में लाइक्स लाइक्स आते रहने चाहिए, वीडियो में शेयर्स भी आते रहने चाहिए। ओके चलो, सो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग साइट कंटेन स्क्वामस एपिथीलियम एज इट्स लाइनिंग? स्क्वामस एपिथीलियम तुम्हें कहाँ देखने को मिलते हैं? क्या तुम लोगों को याद नहीं है? तो मैं याद दिला दूँ? हाँ
जी बच्चे जल्दी बताइए। Which of the following site contain squamous epithelium as its living? हाँ जी बच्चे, yes everybody, yes, yes everybody, okay, D, okay, 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 D, D, yes, absolutely correct है, yes, D is the correct one answer. Both A and B, blood vessels में भी और air sac and lungs में भी, हम दोनों में देखने को मिलता है. Next question is on your screen. So eighth number question है ये. Secretion and absorption is done by. Secretion and absorption is done by. चलो चलो जल्दी बताओ. जल्दी से बता दो. Epithelium tissue पे अभी हम लटके हुए हैं, समझे? इस पर हम हैं लटके. जल्दी बताओ. इसको हमें एपिथेलियम क्यूबॉइडल, कॉलमनर या फिर सीलिएटेड? कम ऑन एवरीबॉडी. यस बच्चों, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट है. सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है? हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या देखने को मिलता है? एब्जॉर्प्शन. यस, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. क्यों तुम लोगों को याद नहीं आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन? नहीं याद आ रही है? चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाती रहती हूँ. वैसे तो फील तो मैं तुम्हें कराती रहती हूँ, है ना? और फील करना बहुत जरूरी है बायोलॉजी को, समझे? बायोलॉजी फील करने की चीज है, समझे तुम लोग? चलो नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन का जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल एपिथेलियम इज इररेगुलरली शेप्ड? चलो 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 आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे. हाँ जी, इररेगुलरली शेप्ड हमें किसको देखने को मिलते हैं? किसके देखने को मिलते हैं? फास्ट, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं और कोई वीडियो में लाइक नहीं आ रहे हैं. राकेश, सही होना बच्चे, अच्छे से अपना सब लोग ख्याल रखेंगे. इस समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम है, सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे और अपने पेरेंट्स का भी. और हाँ, अपने सिबलिंग्स को मत भूलना जिनसे तुम रोज लड़ते हो, ठीक है? चलो कृष्णा, यस कृष्णा, ए इज द करेक्ट वन आंसर, स्क्वामस एपिथेलियम. अगर तुम लोग मेरे इतना पढ़ाने के बाद सही आंसर कर रहे हो तो मुझे खुशी हो रही है. क्रेडिट गोज टू मी. हाय किरण, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग. हर्ष बस चला गया, हर्ष आंसर की बस लेने आता है मेरे से और बस चला जाता है. कोई नहीं, हर्ष को बता दूंगी मैं आंसर की भी. एक्चुअली इतना कभी कभी ना स्ट्रेस हो जाता है, वर्कलोड हो जाता है ना, कि मुझे याद नहीं रहती चीजें. तुम लोग अगर मुझे मैसेज कर दो ना तो मुझे याद आ जाए. कम ऑन. ओके, सो टेंथ नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. ओके, चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन. ये यहाँ ये होगा वो होगा नहीं करेगा पूजा. हाँ, कोई ये नहीं करेगा. चलो, क्या हाल है राकेश? अनुराग, तुम्हें राकेश से बात करने है तो मैं तुम्हें नंबर दे देती हूँ उसका, तुम आराम से बात कर लेना, निकाल लेना इसी से. हाँ, संकल्प वाले ग्रुप में तो तुम हो गई ना, निकाल लेना उसे, ठीक है? अच्छा, मैम से पूछ रही हूँ. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. टेंथ नहीं पता है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैन बी फाउंड इन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैन बी फाउंड इन, बट ऑब्वियस करके है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में. प्रॉक्सिमल का मतलब पास होता है, डिस्टल का मतलब फार, ठीक है? ये तुम्हारी किसकी बात हो रही है? अरे यार, नेफ्रॉन की बात हो रही है ना? याद आ गया अभी? अभी याद आ गई ये चीजें? ही नहीं याद आई, भूल गए क्या तुम लोग? हाँ, क्या तुम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को गंगा में बहाए आए हो? हाँ, क्या तुम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को गंगा में बहाए आए हो? चलो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी करेंगे सभी बच्चे, सभी प्यारे प्यारे बच्चे आंसर करेंगे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिव टिश्यू द इलास्टिक फाइबर आर एब्सेंट? वाह, सो नाइस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू नो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यू नो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है. In which of the following connective tissue the elastin fiber are absent? Elastin fiber absent होते हैं bone, cartilage, blood, bone A and B. Yes बच्चों, तुम लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये मत सोचा करो, आंसर करो बस. चलो 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 सभी आंसर करेंगे. यस आर्यन गुप्ता, नहीं गलत, आर्यन गुप्ता का तो बिल्कुल गलत है. हाय स्वेच्छा, गुड इवनिंग.
यस एवरीबॉडी, सी इज द करेक्ट वन, ब्लड, बिंगो, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, सभी का करेक्ट है. यस किरण, एब्सोल्युटली करेक्ट है. चलो 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग. वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. 11th नंबर का हो गया था, अब 12th नंबर का क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ही है. द मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस इन कनेक्टिव टिश्यू. ग्राउंड सब्सटेंस की बात करिए, थोड़ा दिमाग लगाना. आर मेड अप ऑफ थिक प्रोटीन, इलास्टिन फाइबर, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स या फिर मॉडिफाइड ट्राइग्लिसराइड्स. एवरीबॉडी जल्दी से आंसर करेंगे, सभी प्यारे प्यारे बच्चे. हाँ जी, हाँ जी अनुराग, ऐसे करने वास्ते कुछ नहीं होगा, आंसर करो जल्दी मुझे. यस बच्चा, कम ऑन एवरीबॉडी, प्यारे प्यारे बच्चे. निहारिका आंसर करो बच्चा. हाँ जी, मैं आंसर बता दूं, मैं बता दूं क्या? अच्छा बता देती, चलो. सी, नहीं नहीं मैट्रिक्स की बात हो रही है, ग्राउंड सब्सटेंस जो कि कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं. हयाल यूनोन, भूल गए तुम लोग उसको? गैक्स मारेंगे तुम लोगों को, सबको. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ अनुराग, सब पानी में डुबाया है ना तुम. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ प्रियंका, अभी सब बता रही हूँ. आके नहीं 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 आर्यन तुम शांत रहो. लो इस बच्चे कह रही आर्यन तुम शांत रहो. चलो ठीक है ठीक है एवरीबॉडी, राकेश का सिर्फ सही है, राकेश ही एक मेरा हीरो है, सिर्फ तो सही आंसर बता रहा है इस समय. चलो चलो एवरीबॉडी, अनुराग तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? हाँ चल आंसर कर जल्दी. विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज सेमी फ्लूइड ग्रांड सब्सटेंस. सेमी फ्लूइड का मतलब आधा आधा भाई साहब है मामला यहाँ पे, ठीक है. सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, एवरीबॉडी जल्दी से आंसर करिए मैम को, जल्दी से बताइए. सो एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ब्लड या फिर तुम्हारा बोथ, ए एंड बी. चलो जल्दी से आंसर करेंगे, कहीं ऐसा नहीं कि मैंने अंडरलाइन कर दिया आंसर, तुम लोग तेज बन रहे हो. यस यस निहारिका, सभी जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. ओके निहारिका बच्चे, आई थिंक आज आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हो, है ना. चलो आंसर करेंगे सभी बच्चे. ओके ओके डी, यस एवरीबॉडी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है. किरण का भी सही है, किरण नहीं बी नहीं बच्चा, डी 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 फॉर डोंकी. यस यस एवरीबॉडी, चलो 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 सब लोग आंसर करेंगे. 14th नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरियोलर टिश्यू. नॉट अ पार्ट ऑफ, कोई पार्ट नहीं है यहाँ पे एरियोलर टिश्यू का, जल्दी से बता दो जल्दी से. ओके 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 हाँ जी बच्चों, नॉट पार्ट पूछ रहा है, नॉट. यस एवरीबॉडी, फाइब्रोक्लास्ट. फाइब्रोक्लास्ट क्या है? हमारी एरियोलर टिश्यू का पार्ट नहीं, और ये हमारी क्या बनाती है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. फाइब्रोब्लास्ट, सॉरी वो जो सेल्स बनती है ना, फाइब्रोब्लास्ट जो है बनाती है, और क्लास्ट उनको काटने का काम करती है, ठीक है. सो ईसीएम की सेल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. चलो चलो, फाइब्रोब्लास्ट जो ईसीएम यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाने वाली सेल्स को हम फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है. यस यस फाइब्रोक्लास्ट है, यस एवरीबॉडी बिल्कुल सही है. किरण क्या कह रही थी? भेज दूंगी क्वेश्चन में दिमाग लगाओ. हाँ सही कह रही है स्वेच्छा, सब लोग क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, ठीक है. सब लोग क्वेश्चन में दिमाग लगाओ और लाइक्स में दिमाग लगाओ मैम के, बस दो ही चीज चाहिए मैम को, आंसर और लाइक, दैट्स इट. 15th नंबर का क्वेश्चन, विच इज द एक्सेस अनयूज्ड न्यूट्रिशन स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है. अनयूज्ड न्यूट्रिशन, ठीक है, अनयूज्ड. एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोथ, ए एंड बी एंड ब्लड. कम ऑन एवरीबॉडी, अनयूज्ड. मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, जहां पर सिर्फ स्टोर का काम कर रहे हैं हम, लेकिन यूज नहीं करना. वैसे तुम्हारी मैम ने भी अच्छा खासा स्टोर करके रखा है ना, दिख रहा है तुम लोगों को? क्यों स्टोरेज दिख रही है? वीडियो में लाइक्स और शेयर आते नहीं चाहिए, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए तुम लोगों की, एनर्जी हाई होनी चाहिए मेरे बच्चों की, क्योंकि उनकी मैम की एनर्जी हाई रहती है कि नहीं. सो एडिपोज टिश्यू इज द करेक्ट वन, यस एवरीबॉडी. स्टोर करता है फूड, एडिपोज सेल्स लीवर में हमारे क्या करती है, लीवर और मसल्स में एडिपोज यानी सॉरी एडिपोज सेल्स लीवर और मसल्स में फैट को हमारे स्टोर करती हैं, ठीक है बच्चा. यस यस राकेश, किरण, अनुराग, पूजा, प्रियंका, सभी ने सही आंसर दिया. बिंगो बच्चों, बहुत अच्छे तुम लोग कर रहे हो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो और मजा आ जाए जिससे, ठीक है. इंटर
इंटरकैलेटेड डिस्क इन कार्डियक मसल प्रोवाइड. अब थोड़ा सा बिल्कुल सयाने बन जाओ यहाँ पे. सयाने समझते हो तुम लोग? सयाने समझते हो? सयाने का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे. ओके इंटरकैलेटेड डिस्क की बात हो रही है. थोड़ा सा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. तुम लोग मुझे आंसर करो बस. यस एवरीबॉडी. ये बिंगो, बिल्कुल सही है. कम्युनिकेशन जंक्शन. यस एवरीबॉडी, कम्युनिकेशन जंक्शन हमें वहां देखने को मिलता है. ठीक है. यस राकेश कह रहा है क्यूट लग रही हूँ. थैंक यू राकेश. थैंक यू राकेश. वैसे तबीयत ठीक नहीं थी सुबह से ही, क्लास भी नहीं लिए कोई भी. ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी, लेकिन मैंने कहा चलो अगर थोड़ा भी ठीक लग रहा है तो मैं ले लेती हूँ क्लास. 5 बजे तक तो माइंड ये सेट हो गया था अब नहीं लेना है, बट फिर मैंने कहा ले लेती हूँ. चलो 17th नंबर क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटरकैलेटेड डिस्क. अब फिर वही कहानी आ गई. ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क की कहानी आ गई तुम्हारी. फाउंड ओनली इन हार्ट. धक धक जो तुम्हारा जिया करने लग जाता है ना, यहाँ पे उसी की कहानी है. क्या तुम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हो कि कार्डियक मसल्स की, कार्डियक सेल्स की जब भी बात होती है तो वहां हार्ट की बात हो रही है ना. अभी हम लास्ट क्वेश्चन कवर करके आ रहे हैं इसका, है ना. चलो जल्दी सभी आंसर करेंगे. किरण कह रही मैम कन्नड़ा में बोल. तुम वहां से हो क्या? केरला से? बेटा मैं केरला से नहीं हूँ, ठीक है, मुझे कन्नड़ नहीं आती. चलो चलो. Found only in heart, not the fusion points from intercalated disc. ठीक है, one stimulates is enough from multiple muscles. None of these. जल्दी से बताओ. हाँ जी बच्चे, चलो. Yes everybody, yo. So इसका answer जो होना चाहिए, not true पूछ रहा है सबसे पहली line आता है, तो ये चीज सही है, ये भी सही है और ये भी सही है. ठीक है, none of these तो सही हो ही नहीं सकता, मतलब इसका तो कोई मतलब है ही नहीं. ठीक है, so all the fusion points from intercalated disc, this line is the not true. ठीक है, तो ये तुम्हारा correct नहीं है. ठीक है प्यारे बच्चे, so we are moving for next 18th number question. So ये तुम्हारे स्क्रीन पर है. वीडियो में लाइक्स और शेयर नहीं रुकने चाहिए, मुझे ढेर सारे शेयर चाहिए तुम लोगों से. और स्टेटस में नहीं लगाते हो ना तुम लोग मेरा वीडियो? ठीक है, मेरे से कोई बात नहीं है तुम लोगों की. देखना किरण, नॉट केरला, इट्स कर्नाटका. अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, तुम कर्नाटका से हो? क्यों किरण? तब तो तुम्हें हिंदी समझ भी नहीं आती होगी. चलो, सो वीडियो में बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और शेयर करो सभी बच्चे. चलो आंसर करो 18th नंबर का क्वेश्चन. केरला नहीं कर्नाटका. यस यस एवरीबॉडी, चलो आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे. चलो चलो चलो. ओके किरण कह रही बी, मसल सेल, न्यूरल सेल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. सो आर एक्साइटेबल सेल्स पूछ रही है. एक्साइटेबल सेल्स जल्दी बता दो मुझे. यस किरण, एब्सोल्युटली करेक्ट है. न्यूरल सेल्स ही तो हमारी एक्साइटेड होती हैं जब हमारे नर्व इंपल्स जनरेट होती है ना. तुमने देखा है एक्शन पोटेंशियल, यो एक्शन में सेल्स आती है हमारी, है ना. तो न्यूरल सेल्स जो किसको लेकर चलती है? सिग्नल मॉलिक्यूल को लेकर चलती है. यस, चार्ज भी होता है, तुम्हें झटके लगेंगे. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. अब थोड़ा सा दिमाग लगा के करना. ठीक है, यहाँ पे टिश्यू की बात हो रही है. चलो मैं हिंट तो तुम्हें हमेशा कर देती हूँ. हाँ हाँ जी राकेश, इतनी जल्दबाजी में मत रहिए. पूजा आप भी. चलो एवरीबॉडी, यहाँ पर टिश्यू की बात हो रही है. टिश्यू में हमेशा एक से अधिक सेल्स होती हैं. चलो अब इससे ज्यादा हिंट नहीं करेगा कोई भी. अच्छा, सभी को लिखना भी आता है, क्या बात है. बिग राउंड ऑफ अप्लॉस बच्चा. लिटरली आई डोंट नो, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ. मेरे भैया वहां पर गए हैं और वो जॉब भी करते रहे, ठीक है, बट मैं नहीं गई हूँ वहां पे कभी. ठीक है, साउथ में कभी नहीं गई. चलो 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 चलो. नेक्स्ट. यस प्रियंका, एब्सोल्युटली करेक्ट है. न्यूरोग्लिया भी हमें देखने को मिलते हैं, सपोर्ट करते हैं. मैंने तुम्हें क्लास में ये चीज बताई थी, मैंने तुम्हें बताई थी सपोर्ट करते हैं वो, है ना, सपोर्टिव सेल्स. अरे वाह राकेश को देखो, अरे वाह राकेश की तो क्या ना कहा जाए, लड़का इतना शैतान है ना ये. चलो 20th नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन बच्चा. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया?
अब कोई बात नहीं है मेरे से तुम लोगों की, क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हें बता दिया है। नहीं, मैं तो बता दिया अभी तुम लोगों को। ये तो क्वेश्चन का आंसर माना ही नहीं जाएगा तुम लोगों को, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं माना जाएगा, तुम लोग चाहे जैसे दो मुझे, ठीक है? यस बच्चों, सभी आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करें और बढ़िया मौसम का मजा लो। तुम लोग कितना मस्त मौसम हो रहा है आजकल सभी जगह का, है ना? हमारे स्टूडियो का मौसम तो हमेशा सही रहता है। चलो चलो एवरीबॉडी, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स एक्ट एज इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोथ ए एंड बी। तो बट ऑफिस करके मैंने अभी बताया था, प्रोटेक्ट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरह बिहेव भी करते हैं। यस एवरीबॉडी, सी इज द करेक्ट वन। क्यों क्यों प्रियंका, मतलब नकल में भी ना अकल लगती है प्रियंका, समझी? नकल में भी अकल लगती है, तो अकल तो लगा लेती। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 21 नंबर का क्वेश्चन है, राकेश आंसर करो जल्दी से। सो द इलेक्ट्रिकल, पता है कुछ बच्चों के साथ तो ऐसे कनेक्शन बन गए अभी संकल्प सीरीज के ड्यूरेशन कि लगता है वो अपने क्लासरूम वाले ही बच्चे हैं सारे। मतलब मुझे इतना अपनापन लगता है ना, तुम लोग जब भी आते हो क्लास लेते हो, जैसे कि राकेश हो गया, हर्ष हो गया, अविनाश हो गया, ये बच्चे रोज आते हैं, किरण हो गई, ठीक है? और किरण हमारा लड़का है, उसने बताया भी था मुझे, ठीक है, किरण। लेकिन मैं कभी उसको लड़का नहीं बोलती, ठीक है? चलो आंसर करेंगे बच्चे। सो द इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जनरेटेड इन न्यूरॉन्स ट्रबल थ्रो, जल्दी से बता दो। यस बच्चों, यस, न्यूरोग्लियल सेल्स, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ दीज जनरेटेड डिस्टरबेंस जनरेटेड इन न्यूरॉन्स ट्रेवल थ्रू बट ऑब्वियस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यस यस एवरीबॉडी, यस प्रियंका, पूजा, राकेश, एब्सोल्यूटली करेक्ट है सभी का। चलो आगे बढ़ेंगे, वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट। वीडियो में लाइक्स नहीं रुकने चाहिए, चाहे कुछ भी रुक जाए तुम लोगों का, वीडियो में लाइक नहीं रुकने चाहिए मैम के, ठीक है? चलो 22 नंबर का क्वेश्चन, सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है, चलो बताओ। टाइम दे रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं भाग रही हूँ, टाइम दे रही हूँ तुम लोगों को, आराम से पेशेंस के साथ करो। यस बच्चा, यो, दोनों ही सही है, ठीक है? दोनों ही ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ सेल्स, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि कोई एक फैमिली होती है ना, जैसे हमारी बॉडी एक फैमिली की तरह सपोज, ठीक है? तो सेल्स भी हमारे क्या है, उस फैमिली के मेंबर्स हैं जैसे, ठीक है? तो सब लोग अगर आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए चाहिए, जैसे मेरा और तुम लोगों का कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, तो इसी तरह से, ठीक है? मैं अपनी अकल लगा रही थी। अच्छा नहीं, प्रियंका ठीक है, प्रियंका ये तो हो जाता है। और अगर तुम 100% में भी 1% गलत कर रही हो तो मतलब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? वो भी लैक ऑफ रिवीजन की वजह से ही हो सकता है, ठीक है? अब हमें भूल जाएंगे, मतलब क्यों क्यों भूल जाएंगे? नहीं, क्यों भूल जाएंगे? हाँ तुम्हें तो बेटा भूल, रुको जरा, तुम रुको जरा, अभी बता रहे हैं अनुराग, तुम रुको जरा, तुमको बता रहे हैं, कोई किसी को नहीं भूलने वाला यहाँ पे, ठीक है? सभी लोग रोज पढ़ने आएंगे, रोज सभी को याद रखा जाएगा, ठीक है? सो हार्ट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ टिश्यू। अब एकदम गधा बन जाओ, तो इसमें तुम लोग देखोगे कि एक ही लाइन ऐसी है जो तुम्हें दिल को छू जाती है तुम्हारे। आहा आह, क्या राइम बनाई है, आह आह, क्या राइम है। एक ही लाइन ऐसी जो तुम्हारे दिल को छू जा रही है, और पता है वो क्या है, मुझे पता है वो क्या है, लेकिन अब तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना। हर समय तुम्हारे धक धक का मतलब कार्डियक मसल नहीं होता। चलो हिंट कर दिया है मैंने, हिंट कर दिया है, मुझे कोई बच्चा कुछ नहीं कहेगा, ठीक है? यस, सो हमें एपिथेलियल टिश्यू तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है? कार्डियक मसलर टिश्यू तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्शंस बनाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्डियक मसल या हार्ट की बात है तो सिर्फ वहां कार्डियक वाली कहानी मिलेगी, ना 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 ना, सब टिश्यू मिलकर साथ में काम करते हैं ना, तभी तो हम ऑर्गन सिस्टम है कि नहीं? कमन, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम दिखता है ना ऑर्गेनाइजेशन, क्यों? लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, आज ही तो एनिमल किंगडम पढ़ा रही थी 11th वालों को। हाँ यस बच्चों, ट्रिक्स के साथ पढ़ा रही थी ना प्रियंका, याद आ रहा है कुछ तुमको? हाँ जी प्रियंका, बताओ बच्चा। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। चलो आंसर तुम्हारे मतलब सॉरी, क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है। व्हाट इज डिसर्नेबल ट्रेंड, ठीक है? अब चलो बताओ, जल्दी बताओ, थोड़ा सा सोचना तब तुम लोग अच्छा आंसर कर पाओगे इसका, ठीक है? देखो जिसमें सोचना होता है मैं ऑलरेडी बोल देती हूँ, थोड़ा सोच लेना उसमें, ठीक है? डिसर्नेबल ट्रेंड, ट्रेंड है ये एक। ओ कृष्णा कहाँ गया? ओ अच्छा जी कृष्णा, आप तो पहले ही पढ़ के बैठी हुई है। हाँ जी कृष्णा,
क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हो? ओके, प्रियंका कह रही यस मैम। राकेश कहाँ गया? चल आंसर कर जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करेंगे और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आए हो तो कुछ देकर जाओ ना, है ना? चलो 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 चलो। ओके ओके ओके। मिथिल गुप्ता, ओ आई एम ऑल्सो गुप्ता, मोनिका गुप्ता। मैं भी गुप्ता हूँ। ओके दीपक, दीपक मिश्रा। ओके दीपक कह रहे हैं बी। सभी जो नए बच्चे आ रहे हैं प्लीज दीपक मिथिल सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है? अरे गुप्ता एटलीस्ट। चलो चलो चलो, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। यस मैं भी गुप्ता हूँ, पता है तुम लोगों को। चलो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम इवोल्यूशनरी ट्रेंड। यस बच्चों, इनहेरिटेंस ट्रेंड नहीं, ऑल ऑफ दीज नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं, इवोल्यूशनरी ट्रेंड हमें यहाँ देखने को मिलता है। यस, नो 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 कृष्णा, नो बच्चा, ये नहीं है, ये सही नहीं है। नहीं, इवोल्यूशनरी ट्रेंड। अब पता है जो जो नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं जिनके नाम तुमने कभी सुने भी नहीं अपनी लाइफ में, उनको कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है? पीडीएफ तुम्हें मिल ही जाता है, ठीक है? चलो 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 चलो, वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट। चलो 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 चलो, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर्स, ठीक है, वो सारी फीचर्स, ठीक है? फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से आंसर बता दीजिए। यस बच्चों, वी नो अबाउट दैट, वी कॉल इट मॉर्फोलॉजी। कहते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, बाहर से देख रहे हैं, अंदर से देखेंगे तो एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, ठीक है? क्या हुआ? परी कांस्टेंट है मैम। हाँ, ये बच्चे बढ़ तो गया आगे, कांस्टेंट कैसे है? यस यस मिथिल, सभी जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाएंगे। ओके दीपक, दीपक आंसर करिए। यस बच्चा, क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन बच्चा, कम ऑन आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट। और आंसर बताइए, इसका आंसर मैं नहीं बता दी जाऊं। अब चलो तुम लोग बताओ। सो द मिड गट ऑफ कॉकरोच, चिल्ला चिल्ला कर, अनुराग तुम्हें याद है मैंने ये क्लास में कैसे चिल्ला चिल्ला कर तुम लोगों को बताया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है राकेश, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कृष्णा जल्दी आंसर करो। यस बच्चों, ओके ओके ओके, एवरीबॉडी सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे, सभी प्यारे प्यारे बच्चे। हाँ जी, चलो चलो चलो। कॉकरोच के अंदर झांकने की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? ये क्या बात है? द मिड गट ऑफ कॉकरोच कंटेन इलियम, कोलोन, रेक्टम, ऑल ऑफ दीज। ये चिल्ला चिल्ला कर बताया था मैम ने ना, ये बार बार बोला था, ऑल ऑफ दीज। यस बच्चों, ये मिड गट के ही पार्ट हैं। क्यों यार, तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ, इतना पढ़ाने के बाद भी कोई गलत करता है क्या? कका किरण, लड़के तुम पिटोगे देखना मेरे से। चलो, इलियम नहीं, अरे यार तुम लोग क्या हो गया तुम लोगों को जनता? राकेश कह रहा थी सब अपने अपने बस कहानियां लगा लो बस तुम लोग, ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, आंसर करेंगे सभी। 27 नंबर क्वेश्चन है। हीमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, हीमोलिम्फ भूल गया इसको, प्लाज्मा, हीमोसाइट, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस बच्चों, या हीमोलिम्फ दोनों कंटेन किया होता है, प्लाज्मा। यस 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 यस, हाँ जी सभी हैं। यस चलो, हो गया। मिडगट पूछी गई है यार, मिडगट। हाँ जी, चलो चलो चलो, इट्स ओके दीपक, बच्चे आगे बढ़ेंगे, वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट। तो तुम्हें पता होना चाहिए हीमोलिम्फ हमारे ब्लड के, बात हो रही है कॉकरोच भाई साहब के, बोथ ए एंड बी, यानी कि उसमें प्लाज्मा भी होता है और हीमोसाइट्स भी होती हैं। क्लियर है सभी को? देखो, जिसमें जिसको डाउट होगा वो सारी चीजों को लिखता जाएगा कमेंट्स में, ठीक है? ठीक है, चलो। सो एलरी मसल, मैंने तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बताया था एलरी मसल कितने काम की होती है। कॉकरोच की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, अब प्योर कॉकरोच की बात करें, जल्दी बता दो यहाँ पे। यस बच्चों, कॉकरोच की बात हो रही है तो एलरी मसल कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? ये मानिक आ गया, मानिक। चलो,
जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं वीडियो में लाइक और शेयर करते जाएंगे, सभी प्यारे प्यारे बच्चे है ना। चलो चलो चलो, हाँ जी चलो आगे बढ़ेंगे सभी बच्चे। सो आंसर कॉकरोच है, अभी बताते चले जा रहे हैं कि एलरी मसल कॉकरोच का पार्ट है, अभी बताते ही चले जा रहे थे। ठीक है तुम लोग सुनो मेरी तब ना, तुम लोगों की दिल नहीं सुनता और तुम मेरी नहीं सुनते हो, है ना, तुम लोग मेरे से बदला लेते रहते हो। सो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स बनाकर भी दिखाए थे बोर्ड में इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कॉकरोच, नंबर भी बताए थे और इनको बनाकर भी दिखाया था। और मेरे से कोई बात नहीं है, अगर क्लासरूम वाले स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं ना तो उनको थप्पड़ थप्पड़ पड़ेगा। यस कृष्णा एब्सोल्युटली करेक्ट है, 10 पेयर। तुम लोग बेटा ऐसा बोले कि मिलोगे नहीं, कृष्णा अनुराग तुम लोग जब मिलोगे ना तब कूटे जाओगे, ठीक है मैं बोलती कुछ नहीं हूँ, और वीडियो में लाइक नहीं आए ना। चलो यस बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट है, किरण किरण बच्चा करेक्ट है, दीपक का भी सही है, सभी का सही है, बहुत बढ़िया। 10 पैरों वाला जानवर देख रहे तुम लोग, 10 पैरों वाला जानवर। चलो सो इन कॉकरोच विद द फॉलोइंग ऑर्गन हेल्प इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के तो सबकी टेबल बना लो, समझे तुम लोग, जितने फाइलम है हमारे सबकी अलग 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 टेबल बनाकर रख लो, बड़े सुखी रहोगे तुम लोग, समझे। हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा ये किरण ने कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या, सॉरी बच्चों एक्चुअली ना जब तक मैं मतलब देखती हूँ स्क्रीन पर तब तक तुम लोग निकल जाते हो आगे, और फिर मुझे क्वेश्चन भी आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है, ठीक है। चलो वेट ही कर रहे हैं। अच्छा कुटने का, तू कुटने का वेट कर रहा है, देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो गाइस देख रहे हो, ऐसा भी लड़का है एक हमारे इसमें जो कुटने का वेट कर रहा है मेरे से। चलो सो फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड ऑल ऑफ दीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुराग बता। यस देखा बहुत सही, क्या बात है, सही आंसर, सभी के सही आंसर है। यस बच्चों तीनों ही चीजें हमारे एक्सक्रीशन में, पता है कॉकरोच एक नंबर का नालायक है, इसीलिए पता है उसके पास ढेर सारी चीजें एक्सक्रीशन करने की, सोचो ना कितनी गंदगी रखता है अपने अंदर, है ना, कितनी गंदगी अपनी बॉडी के अंदर रखता है, इसीलिए उसको निकालने के लिए एक नहीं दो नहीं तीन तीन चीजें है ना, यूरिकोज वो जो बॉल्स तैयार कर करके रखता है, याद है या भूल गए सभी। यस यस नजाकत वीडियो में लाइक कर दो, नजाकत आ तो गए हो तुम अब। चलो 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 मैम आप प्लीज फोन से कमेंट देखिए, इसमें बहुत लेट हो जाता। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आंसर करेंगे। चलो सो हाउ मेनी गैंग्लिया लाइज इन थोरैक्स एंड इन एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच, जल्दी बताओ, अब फंसे तुम लोग, अब आया वुड पहाड़ के नीचे। चलो 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 जल्दी एवरीबॉडी, क्या बात है क्या बात है, पार आ गई 3 and 6, वी नो अबाउट दैट। 3 हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और 6 हमें हमें किसमें देखने को मिलते हैं, एब्डोमेन में, बट ऑब्वियस करके यार, बट ऑब्वियस। चलो 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 ये बनाकर दिखाए थे स्ट्रक्चर, याद है ना तुम लोगों को, सभी बच्चों को याद है ना ये, इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल लिव फॉर एज लॉन्ग एज। चलो जल्दी बताओ, हाँ जी बच्चों आंसर करिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मेरा वाटर बॉटल लग रहा है वहां ऑफिस में ही रह गया है। ओके चलो चलो आंसर करो, यस एवरीबॉडी 32 का आंसर करेंगे, काट दे गर्दन कॉकरोच की, चलो यार आज काट ही देते हैं इसको, बहुत हो गया इसका नाटक, 1 वीक तक जिंदा रहता है ये नालायक। यस एवरीबॉडी बिल्कुल करेक्ट है, सभी का सही है, किरण पूजा दीपक, क्या बात है दीपक तो आगे छा गया, वेल डन बच्चे, अच्छा कर रहे हो तुम, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो करते रहे ऐसे ही, ठीक है हमारा सेशन ज्वाइन करते रहे रोज और अपने आप को ऐसे ही अपग्रेड करते रहे। हाँ मेरे साथ करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा ना। हाय यश, यश त्रिपाठी आ गया है और वो कह रहा है बी है। चलो 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 एवरीबॉडी, राकेश बच्चा आंसर करेंगे, सभी बच्चे, प्रियंका सब भूल गया, अब मुक्का रुक जाओ, प्रियंका को भी मुक्का पड़ेगा, सभी तुम लोग भूल कैसे सकते हो यार। हाँ पूजा को याद है, देखो चलो काट दो मैं, दीपक कह रहा है काट दो मैं। लिम्फ ऑफ कॉकरोच इज ग्रोन बाय मोल्टिंग, भाई साहब रूप बदलते हैं अपने, ये देखते हो तुम लोग कैसे मोल्टिंग करना, हम अपनी बॉडी में क्या करते हैं, जितनी हमें लार्वल स्टेजेस देखने को मिलती है इसमें उतनी हमें मोल्टिंग देखने को मिलती है, कितनी थी
चिल्ला चिल्ला कर बताई थी, अब भूल गए ना तो बेटा, अब बताएंगे अभी तुम लोगों को, रुक जाओ, अगर भूले तो समझ लेना फिर। हाँ जी, यस, 13 एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। 13 हमें लार्वल स्टेज देखने को, मतलब सोचो इतना पिद्दा सा कॉकरोच, मतलब गाइस सोचो ये चीज, इतना पिद्दा सा कॉकरोच, इतनी सारी मोल्टिंग, है ना। चलो वीडियो में लाइक करते रहो, वीडियो में लाइक नहीं कम होनी चाहिए। चलो आंसर करो नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर आ जाना चाहिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, 34th नंबर का क्वेश्चन है ये तुम्हारा। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच। आज तो तुम्हारी जिंदगी में मैं कॉकरोच भर के रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए, कतई तुम लोग बच नहीं सकते कॉकरोच से, ठीक है दीपक। हाँ जी, चलिए दीपक आंसर करिए। सभी बच्चे जो नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहेंगे और मैम को सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है राकेश। चलो राकेश आंसर करेंगे, चलो चलो चलो, सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। चलो, सो दे आर पेस्ट बिकॉज डिस्ट्रॉय फूड एंड कंटामिनेटेड, ठीक है। अब इनकरेक्ट बताना है, सबसे पहले तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लिया, तो ये वाली लाइन तो बिल्कुल सही लग रही है मुझे। ऑल स्पीसीज हैव इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, जी नहीं, कॉकरोच की कौन सी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है या कुछ है। वैसे कई जगह इसको खाते हैं, चाइना में सूप बना के कॉकरोच को फ्राई करके, यस खाना, याक याक लग रहा है मुझे तो एकदम। वैसे तो ये गलत है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बी ही आंसर है, मैं आगे जा भी नहीं, तुम लोग लेकिन जाने जरूर, तुम लोग आगे पढ़ा करो, समझे। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, 35 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पर, चलो आंसर करो। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच। करेक्ट स्टेटमेंट अब बताना, देखो अब पहले इनकरेक्ट पूछ लिया, ठीक है, एक स्टेटमेंट अब तुमसे करेक्ट पूछ रहा है, चलो जल्दी बताओ। हाँ जी बच्चे, एनल स्टाइल इज प्रेजेंट ओनली इन मिल, ये जो स्टाइल मारने का काम था ना, ये जो स्टाइल मारने का काम था, तुमने देखा था ये काम किसका था, तुम्हारा ये काम किसका था, तुम्हें ये जो स्टाइल मारता हुआ दिख रही थी ना, ऐसे जो स्टाइल मारने का काम ना मेल्स का ही होता है, ठीक है, फीमेल्स को जरूरत नहीं होती ना क्योंकि स्टाइल मारने की, तो वैसे ही दे आर ब्यूटिफुल, यू नो फीमेल्स आर ऑलवेज ब्यूटिफुल, ठीक है। सो मेल को स्टाइल मारने की जरूरत होती, मैंने तुम्हें ऐसे याद कराया था ना, मैंने तुम्हें ऐसे याद कराया था। ओके चाइना वाला यस दीपक एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके लेट आंसर दिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो आंसर, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके बच्चा, दे तो रहे हो ना आंसर, बस मेरे लिए इंपॉर्टेंस यही रखती है ये चीज कि आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस को, इट्स रियली मीन टू मी। ओके चलो, 36 क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, व्हाट इंडिकेट्स ए टू सी, बिलो डायग्राम, तुम्हारा डायग्राम बिलो नहीं है, साइड में आ गया, ठीक है। चलो आंसर बता जल्दी से, ए तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस है, फैट स्टोरेज एरिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एकदम पता है, चिल होकर काम किया करो तुम लोग, एकदम जब चिल होकर काम करोगे ना तो तुम लोग सही आंसर दे पाओगे एकदम, समझे, एकदम काम होकर। तो तुम क्या देखोगे कि हमारा इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जी बच्चे, चलो, सो ए तो हमारा फैट स्टोर सारी जगह है, बस मस्त मोटा मोटा वो क्या कहते हैं, घी तेल भर लो बस, फैट समझे, लिपिड, यस दीपक। अच्छा, बेटा रुक जा, बताते हैं अभी, चलो 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 जल्दी आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। सो दे आर बाय बॉर्न ब्यूटीफुल, यू नो दीपक, तुम मिस गाइड हो रहे हो, तुम्हें लग रहा है सही फीमेल मिली नहीं है अभी तक। चलो राकेश, राकेश बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट है आपका, सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, तुम लोग इतनी जल्दी करेक्ट आंसर मत दिया करो, ठीक है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, इज 37th नंबर क्वेश्चन, कम ऑन बच्चों आंसर मी, आइडेंटिफाई ए टू डी गिवन इन दी फिगर, जल्दी बता दीजिए प्यारे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे मैम को, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, यस, सो कोलेजन फाइबर, मैक्रोफाजेस, मास सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, तुम लोग देखोगे तो लंबे लंबे धागे हमेशा क्या होते हैं, कोलेजन के फाइबर होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी सी सेल्स, यस, मास सेल्स तो ग्रेन्यूलेटेड होती है, तो तुम्हें वहां पर ग्रेन्यूल कौन से सेल में देखने को मिल रहे हैं, एकदम गधा बन जाओ, गधा बन जाओगे तो तुम सारी चीजों को देख पाओगे पास से और अच्छी तरीके से, ठीक है। बी है हमारी क्या, मास्टर सेल, ये देखो ग्रेन्यूल्स दिखाए गए हैं, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये ग्रेन्यूल्स दिखाए गए हैं, अब दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ग्रेन्यूल है, ठीक है। सो बी तुम्हारी मास्टर सेल सिर्फ एक में ही दिया हुआ, बट ऑब्वियस करके यही आंसर है,
तो डी इज द करेक्ट वन. बिंगो. यस एवरीबॉडी. यस प्यारे बच्चे, चलो आंसर करेंगे सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का. वैसे क्या होता था ना, मैं हमेशा लास्ट में लेकर आती थी इस तरह के क्वेश्चन, बट इस बार मैं मिड में लेकर आई हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं कई बार डिस्कस नहीं करा पाती थी, फिर तुम लोग रोने लग जाते थे. चलो आंसर करेंगे सभी बच्चे, जब तक मैं अपना वाटर वाटर लेकर आ रही हूँ, ठीक है? तुम लोग जब तक आंसर करो जल्दी, कोई कहीं नहीं जाएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना. हाँ जी बच्चों, आंसर आ गया सभी का. चलो चलो आंसर करो सब लोग, सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे मैम को. ओके मैं बता दूं. ओके जी, अर्थवर्म. ये अर्थवर्म है. अच्छा, तुम लोगों को अर्थवर्म नहीं आता ना. चलो ठीक है. ए है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? इतना भी चिढ़ो मत इससे, प्यारा है वो भी. हाँ समझे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे. चलो 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 एवरीबॉडी. यस राकेश, एब्सोल्युटली करेक्ट है. क्या बात है राकेश, राकेश तो छा गया एकदम. चलो देख रही हो प्रियंका, राकेश छा रहा एकदम. सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे. कहाँ गया दीपक? ओके बड़ा ऑप्शन है मैम. तभी तो छोड़ कर गई थी तुम लोगों को, आराम से आंसर करते रहो. वीडियो में लाइक्स नहीं आ रहे, मेरे से कोई बात ही नहीं तुम लोगों का, ठीक है? सो द काइंड ऑफ एपिथेलियम विच फॉर्म्स द इनर वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. इनर वॉल्स ये देखो पी वाई क्यूज है, ठीक है? तो तुम लोग हल्के में मत लेना पी वाई क्यू, नहीं तो तुम्हें ले लेंगे वो हल्के में. पी वाई क्यू को कोई भी बच्चा, प्यारा बच्चा, कोई भी हल्के में नहीं लेगा, ठीक है? नहीं लोगे ना तुम लोग हल्के में? बोल दो यार कि नहीं लेंगे. चलो आंसर बताओ जल्दी पी वाई क्यू का. यस एवरीबॉडी करेक्ट है. क्या? नहीं 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 नहीं, ए कैसे हो गया? नो 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 नो, सब दिख रहा है प्रियंका कह रही, सब दिख रहा है. यस मैम सब दिख रहा है. चलो चलो चलो, दिख रहा है ना? चलो ठीक, अच्छी बात है प्रियंका, प्यारे बच्चे को दिख रहा है ना हमारी. यस डी इज दी करेक्ट. यस प्रियंका एब्सोल्युटली करेक्ट है. स्क्वामस एपिथेलियम की बात हो रही है यहाँ पे. तुम लोग ने सब लोग खा पी कर एकदम मस्त ना बैठे रहते हो, तुम लोग ये नहीं कि कुछ मेहनत करे थोड़ा बहुत, है ना? खा लिया और बस बैठ गए. क्यों? जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट प्यारे प्यारे बच्चे आंसर करेंगे. 14th नंबर क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन बच्चा. सो इफ फॉर सम रीजन आर गोब्लेट सेल, अब तुम्हें तो ये पता नहीं चाहिए कि गोब्लेट सेल क्या होती है, चटोरे तुम लोग. गोब्लेट मीन्स पता है क्या होता है? चटोरा. हाँ चलो. सो गोब्लेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल, दिस विल adversely affect, come on, क्या affect करती है? Production of somatostatin, ठीक है? Secretion of sebum from the sebaceous glands, ठीक है? Maturation of sperms, smooth movement of food down the intestine. What you guys are thinking कि इसका answer क्या होना चाहिए? यहाँ पर कहीं भी इस पर sperm को लेकर कोई बात नहीं हो रही, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, चलिए. मैम प्रियंका को कैसे नहीं दिखेगा. ये बात है दीपक, एब्सोल्युटली करेक्ट है. जितने बच्चे नए आ रहे हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे सभी प्यारे बच्चे. इतना रिक्वेस्ट करते हैं मैम, आप लोगों का क्या जाता है यार, सिर्फ लाइक ही तो करना है, थोड़ा सा लाइक करना है मैम को बस. चलो आंसर करेंगे बच्चे. यस बच्चे, यहाँ पर कोई भी स्पर्म की हम बात नहीं करने वाले, यहाँ पे सिर्फ हम स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड की बात करने वाले हैं, जो कि हमें स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे जाते हुए दिखाई देगा, ठीक? सॉरी, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, ठीक है? चलो चलो, खाना निकलना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, खाना बहुत जरूरी लाइफ में, समझे तुम लोग? चलो. सो 41 क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे. द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेसल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ. राकेश सभी बच्चे आंसर करेंगे. दीपक, हाँ जी दीपक के आंसर आ रहे हैं, क्या बात है दीपक. हाँ दीपक आंसर आ रहे हैं, क्या बात है. दीपक नया नया आया, नया नया एकदम छा रहा है, समझे तुम लोग?
वेसल्स बताना है कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, तुम्हारी जो लाइनिंग रहती है ना। चलो जल्दी बताओ। यस एवरीबॉडी, अभी 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 जस्ट बता हटा सॉरी अभी अभी जस्ट बताकर हटी हूँ। स्क्वामिस, स्क्वामिस सेल्स को सीने से लगा लो, इनर लाइनिंग के लिए हमारी वो भाई साहब जान है, समझे तुम लोग। चलो सो लाइनिंग की जब भी बात होगी वो ब्लड वेसल्स में, तो बट ऑब्वियस करके है, ठीक है। चीजों को बट ऑब्वियस करके लिया करो तुम लोग, समझे, चीजों को बट ऑब्वियस करके लिया करो। लोड नहीं लेगा मेरा कोई भी बच्चा, ठीक है। चलो सो वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट। हाँ जी, नींद ना आए, चैन ना आए तुम लोगों को। चलो किसी दिन तुम लोगों को गाने सुनाऊंगी अच्छे अच्छे अच्छा तुम लोगों को कहानियां नहीं याद है। चलो 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 अनुराग, अनुराग बेला वाली कहानी भूल गए तुम, चलो जल्दी आंसर करो। सो सो यूट्रस एक्ट एज यूरो सॉरी यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स इन, बताओ ह्यूमन मेल्स में, फीमेल्स में, बोथ मेल एंड फीमेल, और मेल फ्रॉग में। टर टर फ्रॉग कैसे बोलते हैं, टर टर ऐसे बोलते हैं फ्रॉग। हाँ जी बच्चे जल्दी बताइए आंसर। जी प्यारे बच्चे, ये हमारी कोई भी बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे फ्रॉग भाई साहब की बात हो रही, टर टर की बात हो रही। यस अनुराग एब्सोल्युटली करेक्ट है, सबसे ज्यादा आते हैं मैम। तो प्रियंका मेरी, प्रियंका मेरी क्लासरूम स्टूडेंट है, ठीक है, एंड आई रियली प्राउड ऑफ हर, एंड आई रियली प्राउड ऑफ हर। और प्रियंका पता है क्या है, एक नवोदयन भी है, वो नवोदय से पढ़ी हुई है। चलो आगे बढ़ेंगे, वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 43rd नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आराम से आंसर करते रहो, बैठे बैठे पढ़ते रहो, ठीक है। सो द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आर, कम ऑन, टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आर, कम ऑन। हार्ट इज इनवॉलंटरी, ठीक है, एंड अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्ट्रेट तो पता है ना तुम्हें क्या होता है, एंड सॉरी इंटेस्टाइन इज स्ट्रेटेड एंड इनवॉलंटरी। सो थाई इज स्ट्रेटेड एंड इनवॉलंटरी, एंड अपर आर्म इज स्मूथ मसल्स एंड फ्यूजी फॉर्म इन शेप। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्यूजी फॉर्म वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कोई हिंट विंट नहीं है, सो उसको वो मत ले लेना एज अ ग्रांटेड, ठीक है, ये कोई हिंट नहीं है। यहाँ पर मसल पूछ रहा है तो ओके 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 ओके, चलो चलो चलो, सॉरी फॉर दैट बच्चों, फोन करना ही भूल गई आज। चलो 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 आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। हाँ जी हाँ जी एब्सोल्युटली करेक्ट है सी, जिसका भी सी है। यस बिंगो, वेल डन बच्चा, आ ही गए तो वीडियो में एक लाइक भी कर ही देना, ठोको लाइक जल्दी ठोको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट। तुम लोग आराम से पढ़ते रहा करो, पीडीएफ तुम लोगों को मिली जाती है, सही है, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, हमारा संकल्प वाला ग्रुप है, तुम्हें उसमें सारे अपडेट मिल जाएंगे संकल्प से रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी, कब हमारे सेशंस होंगे, क्लासेस थोड़ा डिले होंगी या नहीं होंगी, या टाइम पे कब होंगी, सारा अपडेट अबाउट संकल्प एंड नीट तुम्हें वहां पर उस ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। सो तुम लोग यार ज्वाइन करो, कुछ नहीं करना है, बस हिट द लिंक एंड ज्वाइन अस, ठीक है, कम ऑन एवरीबॉडी। मुझे तो सारे गलत लग रहे हैं मैम, सारे गलत लग रहे हैं सच में। चलो बच्चा आंसर करेंगे 44 का। द सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स इन ह्यूमंस आर नोन टू अकर, ठीक है, जल्दी बताएंगे। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए पहली बात की प्रेजेंट कहां पर होती है, ठीक है भाई साहब, यहाँ तुम्हारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात हो रही है। अब चलो हिंट कर दिया, अब मेरे से कोई और कुछ नहीं पूछेगा, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ दीपक एब्सोल्युटली करेक्ट है। कृष्णा सी कैसे होगा बच्चे, सी कैसे होगा? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमें ब्रोंकियोल्स एंड हमें फेलोपियन ट्यूब्स, दोनों में फेलोपियन ट्यूब्स की वाली कहानी तुम्हारी फीमेल के साथ जुड़ी हुई है ना, है ना, क्यों जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई है, बस यूरेथ्रा कहाँ पहुंच गए लड़की, तुम भांग पी ली है क्या कृष्णा, कृष्णा भांग पी है ना तुमने आज सुबह सुबह, तभी तो तुम्हारी अभी तक ना भांग में ही हो तुम, समझे। चलो 45 नंबर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फील फेयरलेस स्टडी आ गया, ओके, तुम लोग नाम क्या मस्त रखते हो, फील फेयरलेस स्टडी, बहुत सही यार, हमेशा मतलब नाम पढ़ते मोटिवेशन मिल जाता है, वेल डन, अच्छा है कोई बात नहीं। वीडियो में लाइक और शेयर नहीं रुकनी चाहिए, जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं बच्चों सभी वीडियो को लाइक करते रहेंगे, ठीक है। चलो वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट।
Which of the following is correctly states as happened in the common cockroach? Don't underestimate the power of common cockroach. ठीक है, power of common cockroach. ठीक है, so तुम्हें क्या देखने को मिलता है? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड. तुम्हें करेक्टली स्टेट्स बताना है, तो ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट है. ठीक है, सो द नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इज यूरिया. ठीक है, सो द फूड इज ग्राउंड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड. गिजार्ड जो ग्रेजिंग का काम करते हैं, यस, ग्राउंड करने का, मिक्स करने का, है ना, है कि नहीं है? क्यों एवरीबॉडी? यस बच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है तुम्हारा ये आंसर. यप यप, चलो 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 चलो. अच्छा, हिमांशु कह रहा है कि लाइक करने का मूड नहीं है मैम, तो मूड बना लो यार. हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए इतना सा लाइक ही नहीं कर सकते क्यों दीपक? हाँ, देख रहे हो कैसे हिमांशु बोल रहा है, लाइक तो करना पड़ेगा हिमांशु. मैम के लिए सही, बट लाइक तो करना ही पड़ेगा. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. तो 46 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने है. वट आई वॉज थिंकिंग कि आज का सेशन शायद उतना अच्छा ना हो पाए, क्योंकि मैं उतना फिजिकली फिट नहीं थी. ठीक है, बट अभी मुझे ठीक लग रहा है तुम लोगों से मिलके. सभी लोगों से मिलके ना एक अलग लेवल की एनर्जी आती है. तुम लोग बहुत पॉजिटिव हो, सच में पॉजिटिव हो. सभी प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी तुम्हारे ग्रुप्स वगैरह हैं उसमें, है ना, मैम को सपोर्ट करने के लिए. सो द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप आर एग्जांपल ऑफ. ठीक है, नोज टिप आर. समटाइम्स क्या होता है, मैसेजेस आगे निकल जाते हैं, मैं रीड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि स्क्रीन पे थोड़े ही मैसेज देखते हैं. तो अगर किसी बच्चे का मैसेज मिस हो जाता है तो कोई बात नहीं, वो दोबारा कर देगा, है ना, या फिर मैम को माफ कर देगा. ठीक है. क्या लिख कर दिया दो बार, क्या लिख कर दिया है दीपक, आपने क्या लिख कर दिया दो बार? किसी का लाइक करने का मूड नहीं है, कोई लिख कर दे रहा है दो बार. दीपक क्या लिख कर दिया बच्चा आपने, बताएं मुझे एक बार फिर से बता दें. दीपक लाइक एक बार नहीं होता है. लाइक एक बार नहीं होता है. अच्छा. चलो 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 चलो, सभी बच्चे क्वेश्चन करेंगे. एरियोला टिश्यू, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट. दीपक आप परेशान नहीं हो, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. मैं तुम्हारा स्क्रॉल करके ऊपर देख लेती हूँ क्या तुमने लिखा है. ठीक है दीपक, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. ठीक है बच्चा, चलो 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 चलो. इसने डिसलाइक तो नहीं कर दिया. लीक नहीं मैम, लाइक. हाँ जी लाइक. चलो. आज मैं पता नहीं कहाँ गया दीपक का. ओके, 43 को एक्सप्लेन कर दीजिए, यही है क्या दीपक तुम्हारा? दीपक तुम्हारा यही था? अच्छा जी, गलती वी टाइप हो गया. चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दीपक, अभी करती हूँ. चलो तुम 46 का पहले आंसर करो. सभी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, 46 का आंसर करो. यस, जो भी कार्टिलेज बोल रहे हैं वो एक नंबर के प्यारे बच्चे हैं. तुम लोग डर जाते हो ना मेरे से. कृष्णा एब्सोल्युटली करेक्ट है. दीपक, दीपक आपका भी करेक्ट नहीं है, आप आंसर ही नहीं किए हो क्योंकि नहीं, अच्छा कर दिया था दीपक ने, पहले ही कर दिया था. एब्सोल्युटली करेक्ट है. ओके दीपक, आई विल चेक. ओके चलो, सो हो गया ये चीज. तो 6 है, ये 5 है, ठीक है, ये तुम्हारा 4 है और ये तुम्हारा 3 है. ये क्वेश्चन था क्यों दीपक, तुम्हारा ये क्वेश्चन था? हाँ, चलो चलो जल्दी आंसर करेंगे, बता जल्दी. चलो चलो चलो, हो गया. तो इसका आंसर बचा हमारा सी था. ठीक है चलो, सो वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट. कहाँ थे हम लोग? ओके, लास्ट में सेशन खत्म होते ही ये चाहिए, क्योंकि रिदम नहीं रुकनी चाहिए दीपक. ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट में, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, मैं कर दूंगी लास्ट में सेशन खत्म होने के बाद. ठीक है दीपक, चलो
चलो चलो सभी लोग आंसर करेंगे, सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। 47th नंबर का क्वेश्चन है, आई थिंक मिस हो गया क्या कुछ। सभी बच्चे वीडियो में लाइक और शेयर करते रहेंगे। हाँ जी ठीक है ठीक है। सबसे शरारती तो हिमांशु है। अच्छा और शरारती आप कमेंट्स पे ध्यान ना दो। अच्छा तुम सबसे ज्यादा शरारती हो। हाँ नहीं नहीं हिमांशु अच्छा लड़का है। ठीक है ठीक है प्रियंका, हिमांशु अच्छा लड़का है। चलो 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 सभी बच्चे आंसर करेंगे 47th नंबर के क्वेश्चंस का। हो चुके ये क्वेश्चन। ओ माय गॉड हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। चलो 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 अभी ये भी हो गया था काट ले। ये था यस यस एवरीवन। चलो 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 आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। चलो 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 बिना किसी देरी के लग जाओ अपने काम में। आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। हम यहाँ PYQs डिस्कस कर रहे हैं है ना। चलो सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग। देख लो भैया हम हमको मतलब उस टर टर से क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है उस टर टर से। देख रहे हो तुम लोग क्या जमाना आ गया दोस्तों है, देख रहे हो तुम लोग क्या जमाना आ गया है। यस यस यूरोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। यस बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है चलो। अच्छा तुम लोग नहीं पढ़े हो ठीक है, ये तो पढ़े हो। चलो आंसर करो, ये तो पढ़िए पूजा नलायक पूजा, जल्दी आंसर कर। चलो सभी आंसर करेंगे बच्चे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो 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 मैं बिना आंसर के हिलने नहीं वाली। तुम लोग चाहे उल्टे खड़े हो जाना, देखना तुम लोग चाहे उल्टे खड़े हो जाना मैं हिलने नहीं वाली हूँ। ठीक है ओके चलो आराम से पेशेंस के साथ पढ़ो। मैम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैम कहीं नहीं जा रहे, मैम तुम लोगों के लिए आते हैं। ठीक है वीडियो में लाइक और शेयर करते रहें, जो भी नए नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है सभी बच्चे वीडियो में लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है चलो 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 48th नंबर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। सी ओके डी अन्ना कह रहा है डी, क्या बात है कृष्णा करी सी, क्या बात है आए है अनुराग, क्या बात है यार आज कुछ बाबा जी की बूटी उठी खा के आया है क्या तुम है अनुराग, बाबा जी की बूटी खा के आया है ना तुम। यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट है अनुराग का। ठीक है सो ग्रैंडुलर एपिथीलियम इंटेस्टाइन सिक्रीशन, जो बी वाला हमारा जो ऑप्शन है ये हमारा मतलब जो बी तुम्हारी इमेज है उसके बारे में बेसिकली करेक्ट लोकेशन और तुम्हारी फंक्शन की बात हो रही। तो टिश्यू लोकेशन एंड फंक्शन दिया हुआ, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस भी हो गया क्या। ग्लैंडुलर एपिथेलियम इंटेस्टाइनल सिक्रीशन मिक्स हो गए हैं थोड़ा सा, कोई नहीं तुम लोग इसका लोड मत लेना। ठीक है थोड़ा सा ये मिक्स हो गए हैं। ठीक है मैं तुम्हें बता देती हूँ ये कैसे दिया हुआ है। ठीक है थोड़ा सा आई थिंक मिक्स हो गया है, इसको स्किप कर देना। बट ये ऐसे दिया हुआ है जैसे तुम्हारा मान लो ये कोलेजन का फाइबर है। ठीक है दूसरी चीज उसके सामने क्या लिखा हुआ है, कार्टिलेज लिखा हुआ है, फिर अटैक स्केलेटन मसल बोन्स, तो ये चीज ऐसे है। ठीक है ठीक है ये ऐसे दिया हुआ है ऐसे, कोई बात नहीं इसको स्किप करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा देख लूंगी, आई थिंक जिसने भी टाइप किया ना उसकी मिस्टेक है ये। ठीक है मैं उनको बोल दूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट, सॉरी बच्चों फॉर दैट। हमारा 49th क्वेश्चन है। ठीक है बाबा जी की नहीं खाई है ओके। सभी बच्चे वीडियो में लाइक करेंगे। आरुषि पाउल ओके डी, बच्चे वीडियो में लाइक और शेयर नहीं रुकने चाहिए। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहेंगे। सभी बच्चे कहाँ गए हैं, सब बच्चे खो गए हैं क्या, खो गए तुम लोग हाँ, बस एनर्जी खत्म हो गई तुम लोगों की हाँ। भाई साहब एक एक कॉफी लगाओ स्ट्रॉन्ग वाली। अनुराग मौज कर दी तुम बेटे, मौज कर दी, सही में मौज कर दी तुमने हाँ चलो आरुषि कह रही है बी ओके। सो फेरिटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम। ठीक है यहाँ पे नरिशमेंट की बात हो रही है भाई साहब, चलो नरिशमेंट कर दो तुम अब भाई साहब, नरिश करो चीजों को। ठीक है
सो इसका आंसर क्या होता है, डिकेइंग फॉल लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, बट ऑब्वियस करके बीज इनका भी है वो करेक्ट है. यस एब्सोल्युटली करेक्ट है. छा गए तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर कर करके. चलो हाफ सेंचुरी हो गई है, बिंगो. चलो क्वेश्चन भले ही कम हो लेकिन सॉलिड होने चाहिए, है ना. चलो सो कंपेयर टू दोज ऑफ ह्यूमंस आर एरिथ्रोसाइट्स इन फ्रॉग आर. तो तुम लोग फ्रॉग पढ़े नहीं हो फिर तुम लोग रोने लग जाओगे मेरे सामने, है ना, रोने लग जाओगे. तो मैं बता दूं इसका आंसर बी है, न्यूक्लिएटेड एंड विद हीमोग्लोबिन. हम लोग के जमाने में तो पढ़ाया जाता था यार हम लोगों पे, सच में कटवाया भी गया है समझे, काटे भी हैं हम लोग. अरे यार नो नॉट एट ऑल, ये मेरे साथ ही होता है पता है, बहुत दर्द दे देता है कई बार ये चीजें ना, मुझे बहुत इरिटेट करती है. ओके सो फ्रॉग वाली कहानी तुम लोग के साथ हो गई थी, अब रेट्रोसाइट वाला हो गया था आई थिंक, ये क्वेश्चन था हमारा. ठीक है यस यस एवरीबॉडी चलो आंसर करो, सभी प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे आंसर करेंगे. और हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था ये यार, मैं तो भूल गई जल्दी. 50 सेंचुरी तो जाने कब हो गई थी, 53 क्वेश्चन है ये. चलो आंसर करो, 52 या 3 होगा. हाफ सेंचुरी तो हो गई थी ना हमारी, क्यों मैम एक्सप्लेन भी कर दो क्या करें. चलो बच्चे एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं रहता इतना अगर क्वेश्चंस कवर करना है ना, क्योंकि कुछ बच्चे कहने लगते हैं स्लो हो गया है ना. वैसे भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं, लोड मत लो तुम लोग इतना. ठीक है फ्रॉग को मारो गोली, ठीक है गोली मारो तुम. चलो सो वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट, 53 नहीं है आई थिंक 51 है. ओके 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 प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, चलो आंसर करो, आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे. अब भैया ये तो प्लेनेटा अमेरिकाना का क्वेश्चन है, तुम्हारे प्यारे कॉकरोच भाई साहब है, ये क्या है कॉकरोच भाई साहब है. तो करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हें सिलेक्ट करना है यहाँ पे. मैं नहीं पढ़ रही इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग मुझे थका देते हो, मैं नहीं पढ़ रही. खुद आंसर करोगे खुद पढ़ोगे, मैं नहीं बता रही आंसर भी नहीं बता रही. सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी प्यारे प्यारे बच्चे. पता है अच्छा ओ माय गॉड अनुराग बेटे सही में तुमने आज तो मजा आ गया. हाँ जी कर देंगे मानशु. कौन सा क्वेश्चन आपका डाउट है बता दीजिए जरा साहब मुझे, ठीक है. चलो सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, स्टाइल जो मारता रहता है तुम्हारा मेल एनल स्टाइल. यस बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट है, 52 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है, ठीक है सभी बच्चे आंसर करेंगे. सो व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ द कॉकरोच लिप्स, ठीक है. सो तुम्हें लास्ट में मोल्टिंग जो 13 नंबर का मोल्ट है तुम्हें वहां पे क्या देखने मिलता है. सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे. विंग्स विंग्स बताए थे ना, विंग्स समझाए थे ना, हिंट कर रही हो थोड़ा सा. यस हिमांशु जल्दी बताइए. पेयर ऑफ सॉर्टेज इन स्टाइल, हाँ जी ये तो सही हो गया. चलो चलो सो बोथ बोथ फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स डेवलप, ठीक है दोनों ही फोर विंग्स और हिंड विंग्स दोनों ही क्या होते हैं डेवलप होते हैं. सभी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है दूसरी क्लास का. तो प्लीज बच्चों क्विक क्विक फास्ट फास्ट सर्विस दोगे तुम लोग मुझे. चलो सो चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्टली मैच्ड पेयर तुम्हें बताना है टेंडन एडिपोज टिश्यू एरियोलर टिश्यू और कार्टिलेज का. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो ये इस तरह के क्वेश्चन मैं कई बार देख चुकी हूँ समझे, इस तरह के क्वेश्चन. यस यस हिमांशु एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्या बात है बच्चा. चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे हमारे. जी बच्चों हाँ जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि इतना पेशेंस रखो तुम लोग, फास्ट फास्ट आंसर करो, जल्दी से आंसर पढ़ो और मतलब क्वेश्चन पढ़ो आंसर पढ़ो और जल्दी से बेस्ट वन. यस यस पूजा एब्सोल्युटली करेक्ट है, तुम्हें पता है करेक्टली मैचिंग पूछ रहा है. तो एरियोलर टिश्यू जो होते हैं तभी तो उनके अंदर एयर, मैं तो पता कैसे याद करूं, एयर खाली जगह पोलू पोलू, तो यानी कि वो क्या है हमारे लूजली है, लूज कनेक्टेड होते हैं वो, ठीक है. चलो बढ़िया 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 मजा आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी सभी बच्चे. 54 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली, आज तुम लोग ने बहुत बातें की है मेरे से बहुत ज्यादा. चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, ठीक है करेक्टली मैच्ड इनर लाइनिंग ऑफ सेलेबरी डक्स मॉइस्ट सरफेस, ठीक है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स और इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल्स.
सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे मुझे. यस एवरीबॉडी, सभी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे आंसर करेंगे इस चीज का. हाँ जी, ये बिंगो. यस आरुषि, एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली. एरियोला टिश्यू. अच्छा, तुम लोगों को तो एरियोला टिश्यू में ही चल रहा है अभी तक. जल्दी बताओ, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल एपिथेलियल होते हैं, होते या नहीं होते हैं? करेक्टली मैश पेयर, करेक्टली, एकदम करेक्टली. यस यस एवरीबॉडी, जल्दी बताओ. सो गए तुम लोग? सब सो गए? यस, क्लियर है? यस यस यस. आज सबने बातें की हैं, तुम आए हो ना, इसलिए तुम आए ना हिमांशु, तो फिर सबको बात करने याद आया आज. समझे हिमांशु, तुम आए हो ना, सबने इसीलिए बात की है. स्टूडेंट टर्गा, एस्टर्ना और प्लूरा ऑफ कॉकरोच. अब 100 बार बताया था. ये प्लेट्स होती है हमारी, ठीक है, कवरिंग कर दो भाई साहब, डर रहा है बेचारा, ठीक है. सो ग्लू देख रहे तुम, ऑप्शन देखो. सीमेंटिंग ग्लू, मतलब लिटरली दिल खुश कर देते. ये भी चीज है. मस्कुलर टिश्यू, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन, बट ऑफिस करके ऑर्थोपोडा का मेंबर है तो ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन ही लेके घूमेगा ना ऐसे, है ना. सी इज द करेक्ट वन. यस पूजा, यस कृष्णा, हिमांशु. ओए होए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चे. प्यारे बच्चे आंसर करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी वो भी. चलो, तुम लोगों के नाम ऐसे रट गए ना, मतलब तुम लोग रोज आते हो तो नाम रट जाते हैं तुम लोगों के. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन, गैप जंक्शन का फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे. फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजॉइनिंग सेल्स बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स. तो क्वेश्चन ही तुम्हारा इतना मस्त था, ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस और भी मस्त है, ठीक है. तो सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यूज, परफॉर्म. थक गई, देखा, थकवा देते तुम. परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर. यस बच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट है. पूजा, अनुराग, अनुराग तो आज पक्का बाबा जी की बूटी को है ना, क्या करके आया, लेकर आया है. अनुराग आज बाबा जी की बूटी को लेकर आया, मैं कह सकती हूँ फॉर श्योर, क्योंकि इतना करेक्ट आंसर अनुराग मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है. तू तो मेरे से भी फास्ट हो रहा है यार. चलो आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. वीडियो में लाइक्स नहीं आ रहे बिल्कुल भी, ठीक है. हिमांशु कहाँ गए आप, हो या गए? ओके, तो आरुषि है, आरुषि हमारे साथ है. आरुषि बच्चे आंसर करेंगे. द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज, जो हमारे टीयर नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, उसको बाहर निकालना तो पड़ेगा ही ना. इन दी हिमोलिम्फ मेनली इन दी फॉर्म ऑफ, भाई साहब 15 का क्वेश्चन है, किस फॉर्म में निकालता है ये? अमोनिया, यूरिया, जो मर्जी वो बोलो यार, पोटेशियम यूरेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट. सही आंसर तो तुम्हें भी पता है ना, सभी कोई जानता है इसको, इसको कौन नहीं जानता, पोटेशियम यूरेट. भाई साहब कॉकरोच में हमने चिल्ला चिल्ला के ये चीज पढ़ी थी, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी अनुराग, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, भूल गए तुम? तुम भूल गए ना बेटा, बताएंगे तुम. 58 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी आंसर करो. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, जल्दी बताओ. अच्छा, सीलोम आ गई, होए होए, ओए होए, सीलोम आ गई. चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, एवरीबॉडी करेक्ट आंसर देंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, करेक्ट आंसर करेंगे सभी प्यारे प्यारे बच्चे. हाँ जी बच्चे, ओके, यस यस करेक्ट है. इनडिटरमाइंड एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट है. कृष्णा, कृष्णा चल आंसर कर जल्दी, कृष्णा आंसर कर जल्दी, आंसर कर. नॉट पूछ रहा है, ठीक है, नॉट प्रेजेंट, ठीक है. बाकी सारी चीजें हमारी प्रेजेंट होती है कॉकरोच भाई साहब में. क्यों, ये क्यों होगा? साइजोसिलोम. अच्छा, नॉट प्रेजेंट पूछ रहा है, ध्यान देना तुम लोग थोड़ा सा, नॉट प्रेजेंट. एंटेरोसिडोम और साइजोसिलोम, साइजोसिलोम में तो मिलती है, ठीक तो है, साइजोसिलोम में तो मिलता है, तो नॉट पूछ रहा है ना. मारेंगे तुम लोगों को पकड़ के.
तुम्हें नहीं पता सिलोम हमारी जो होती है ट्रू सिलोम, वो दो तरह की होती है, साइजो सिलोम और इंटेरो सिलोम। क्यों प्रियंका नाक कटवा रही है मेरी यहाँ पे? हाँ प्रियंका तो नाक ही कटवा देती कभी कभी। देखो जो हमारी साइजो सिलोम होती है उसमें हमें ऐसे पाउचेस देखने को मिलते हैं मीजोडर्म के, ठीक है, और इसमें हमें एंटेरो सिलोम में पूरा का पूरा क्या होते हैं, मतलब हमें अटैच देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो तुम लोग? तो इनिशियली जब हमें स्टार्ट हुई चीजें, तो जब हमें मीजोडर्म डेवलप होना स्टार्ट हुई, ट्रू सिलोम को मतलब क्या कि मीजोडर्म की लाइनिंग स्टार्ट हुई दोनों साइड, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलते हैं, ऐसे पाउच देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे तुम्हें बड़ी बड़ी क्या मिलती है, तुम्हें शीट देखने को मिलती है, और बाद में वो अटैच हो जाती है। अभी ये इनिशियली देखने को मिलती है, फिर बाद में, अरे यार, और फिर बाद में प्रियंका वो क्या हो जाती है, ऐसे अटैच हो जाती है। तो एक पूरा मैं बना ही देती हूँ ना तुमको, ऐसा गोला टाइप का बना देती हूँ, ठीक है, तो वही होती है साइजो और इंटरसिलोम, सब बताया है। क्यों क्यों कृष्णा, कृष्णा बोल दे कि नहीं बताया है ये चीज, कृष्णा बताओ मुझे जल्दी से, बताई है ये चीज या नहीं बताई है क्लास में? कृष्णा बच्चे क्या नौटंकी है, चलो 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 चलो। यस मैम यस मैम, देखा ट्रू सिलोम होती है, चलो चलो चलो। कृष्णा ने मजे ले ली, देखा कृष्णा ने मौज कर दी, पूजा पूजा कृष्णा ने मौज कर दी प्रियंका की, मजा आ गया। चलो एवरीबॉडी यस, सभी बच्चे आंसर करेंगे, चलो आंसर करो। नीट का क्वेश्चन है ये तुम्हारे 2016 का क्वेश्चन, टिश्यू और लोकेशन दी हुई है, स्मूथ मसल एरियोलर टिश्यू और तुम्हारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम और तुम्हारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, टेंडन्स हो गए, टिप ऑफ नोज हो गई, टिप ऑफ नोज, लाइनिंग ऑफ स्टमक, जल्दी बताओ। इसमें करेक्टली मैच पूछ रहा है, करेक्ट यानी कि भाई साहब सही सही मैच कर देना एकदम, समझ गए तुम लोग? तो सबको जानता है स्मूथ मसल्स, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बाकी ये कहानी जो है हमारी वो गड़बड़ है, ठीक है कि नहीं गड़बड़? यस एवरीवन, ए इज द करेक्ट वन, स्मूथ मसल, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट, ठीक है, सो बिंगो 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये। सो इन मेल कॉकरोचेस स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन विच ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एवरीबॉडी जल्दी से आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। आंसर मी यस यस, मशरूम ग्लैंड्स, टेस्टिस, वास डिफरेंसेस और सेमिनल वेसल्स। जल्दी से बता दो, फिर बाय बाय करो, जल्दी से आंसर बताओ और फिर बाय बाय करो। चलो एवरीबॉडी जल्दी से आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। यस सेमिनल वेसल्स, एकदम करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट है सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, चलो आंसर करो, आंसर मी, कम ऑन एवरीबॉडी। स्मूथ मसल्स आर, क्या होते हैं स्मूथ मसल्स आर, जल्दी बताओ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इनवॉलेंट्री है, फ्यूजीफॉर्म है, नॉन स्ट्रेटेड है, यस एब्सोल्युटली है, ठीक है। स्मूथ मसल्स हमारे इनवॉलेंट्री होते हैं, अपने मन से नहीं घुमा सकते उन्हें। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि हम उनको अपनी तरफ से मूव कर सकते हैं। हिमांशु है क्लास में या गए? सभी बच्चे निकल लिए हैं, समझे? ज्यादा देर तक पेशेंस नहीं है तो तुम लोगों के अंदर ना, बस तुम लोगों को ये है कि आए और गए, है ना। चलो अच्छा है, एनीवे सो इनवॉलेंट्री वो होते हैं बेसिकली, हमारे पार्ट्स होते हैं जिनको हम अपने खुद से मूव नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। स्मूथ मसल्स बड़ा ऑब्वियस करके हम अपनी तरफ से मूव नहीं कर सकते। क्या तुम अपने हार्ट को धक धक करा सकते हो? जवाब है नहीं। यस एब्सोल्युटली करेक्ट है ये आंसर। और फ्यूजीफॉर्म में देखने और नॉन स्ट्रेटेड, हमें कोई भी स्ट्रेटेड लाइंस वहां देखने को नहीं मिलते, ठीक है, क्लियर है ये चीज। सो मूविंग फॉर नेक्स्ट, आंसर जल्दी कर दो। So which one of the following types of cell is involved in making of the inner walls of large blood vessels? ठीक है, large blood vessels की बात हो रही है। कभी कभी मुझे लगता है ना कि तुम लोग छा जाते हो, और कभी कभी मुझे लगता है तुम लोग नालायक हो जाते हो। 20 बार पता है, कम से कम मुझे लगता है ये 10वीं बार। डी कैसे होगा? पूजा अपने दो थप्पड़ लगा जल्दी से। पूजा तो एकदम की नालायक होती जा रही है। पूजा वहां जाके ना तुम सो गई हो एकदम, है ना? स्क्वामस एपिथेलियम, हाँ बिल्कुल। चलो डी कैसे होगा यार, तुम लोग बहुत पागल हो। अभी ब्लड वाली कहानी में 20 बार स्क्वामस कर रहे ना, मेरा गला सूख गया, पानी मांगने लगा। वो कहना पानी दो क्योंकि ये लोग नालायक है, आप अपना गला मत खराब करो, समझे?
तुम लोग ऐसी एक्टिविटी कर दो, चलो जल्दी आंसर करो, सभी प्यारे बच्चे आंसर करेंगे। यस आरुषि आंसर करेंगे बच्चे, एब्सोल्युटली करेक्ट है आरुषि का, देखो आते ही आंसर कर दिया। यस 62 था क्या, 62 ओके, ये तो 63 है, ओके ओके ओके, चलो चलो चलो, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा लेट जा रहे हैं आंसर, आइए आप तो मेरी बैंड बजा देंगे तुम लोग, चलो 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 चलो, ओके प्रियंका, ओके ओके पूजा, माफ कर दो मेरी माँ, मेरी दोनों माँ मुझे माफ कर दो, चलो। सो टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द एडिपोज टिश्यू बिलोंग, तुम्हें पता है एक ये जो हमारी एडिपोज टिश्यू से बिलोंग करते हैं वहां पे, क्यों है कि नहीं, कनेक्टिव है ना, चलो 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 चलो। सो अब ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई है, तुम्हें पता है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, प्योर एनसीईआरटी की लाइन है, और तुम जानते हो एनसीईआरटी भगवान है, और हमारे लिए नीट में आज की डेट में मैं बताऊं तुम्हें, जो लास्ट दो पेपर हमारे हुए हैं, तुम ये जान लो पीछे पड़ गए हैं, समझ रहे, तुम नीट वाले पीछे पड़ गए एनसीईआरटी की लाइनों के, बिल्कुल। तो एनसीईआरटी की लाइनों को सीने से लगा के रखना है तुम्हें, ठीक है। वीडियो में लाइक्स और शेयर नहीं रुकनी चाहिए, अनुराग अगर स्टेटस नहीं लगा ना आज वीडियो का तो मेरे से कोई बात नहीं करी, ठीक है। So which one of the following is not a connective tissue? इनमें से कौन connective tissue नहीं है? Bone, cartilage, blood, muscles. क्या लगता है तुम्हें? Connective tissue क्या करते हैं? Connections बनाने का काम करते हैं, और muscles हमारे कभी भी कोई भी connection नहीं बना रही यहाँ पे, ठीक है। So connective tissue हमारी muscles नहीं है, ठीक है। So we are moving for next. और मुझे number भूल चुका है, okay, 5 है, चलो अभी याद आ गया, चलो जल्दी से आंसर बताएंगे सभी बच्चे। The Silitanium is a distinct part in the body of earthworm. तो ये तो तुम लोग पढ़े नहीं, तुम लोग रोने लग जाओगे, मैं इसका आंसर बता दूंगी तुम लोग, अभी बता दूं, अभी बता दूं, क्यों? According to me B है ये, ठीक है, segment 14, 15 and 16 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, चलो। So next question, we are moving for next. सीटे आ गए, सीटे 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 सीटे, चलो। Next question का आंसर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। लगा दूंगा मैम, और सभी लगाएंगे, पूजा पूजा प्रियंका सभी जितने बच्चे हैं, आरुषि आप भी लगाना अपने स्टेटस पे, मैम का वीडियो लगाना मैम को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो सीटे हेल्प द अर्थ वर्म बट नॉट यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन ऑल द सेगमेंट्स, सीटे 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 सीटे, चलो चलिए बताओ क्या होना चाहिए, बी क्यों होगा, बी क्यों होगा, कमन बच्चे बी क्यों होगा, यस डी डी डी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये भी तुम लोगों के थोड़ा सा सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने ध्यान दे दिए, चलो चलो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कॉकरोच, अब ये तो पढ़ा है ये भी नहीं पढ़ा, हाँ ये तो पढ़ा है ये भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, अगर तुम लोग सही आंसर नहीं करोगे ना तो मेरे से पूरा कोई है नहीं, चलो। यस यस आरुषि आपका बिल्कुल सही था बच्चे, अब आंसर करिए अनुराग नेक्स्ट क्वेश्चन का, कॉकरोच के बारे में, कॉकू भाई साहब ये तो ऐसे तुम लोगों को रट गया होगा, है ना, है ना, तुम लोगों को कैसे रट गया होगा कॉकरोच के बारे में, कि एनल स्टाइल, है ना, एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ हमें मेल में देखने को मिलता है ना, फीमेल वाली कहानी, यस कृष्णा एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिंगो कृष्णा, यस प्रियंका, सभी बच्चे, अनुराग सो गया भांग पी के फिर से, आरुषि आंसर करेंगे बच्चे, चलो एवरीबॉडी चलो 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 चलो, यस करेक्ट है, चलो चलो चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, बस मैच कर दो बढ़िया बिंदास तरीके से मैच करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, चलो। एडिपोज टिश्यू को मैच करो फैट स्टोर के साथ, हाँ मैं बता दिया हूँ एक मई में मुझे नहीं खेलना तुम लोग यार, मैंने बता दिया तुम लोग चीटिंग कर लोगे, मेरे से कोई बात नहीं करूंगा। Yes, absolutely correct है। कौन नहीं जानता इसे, है ना, कौन नहीं जानता इसे, चलो। वीडियो में लाइक नहीं आ रहे, वीडियो में लाइक करो जल्दी सभी बच्चे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, अपना प्यार बरसाते रहेंगे मैम के ऊपर, है ना। तो चलो सेशन एंड करने की बारी आ रही है, बाय बाय करने का टाइम आ रहा है तुम लोगों का, यस एवरीबॉडी करेक्ट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से मैच करो, मैच करो, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर, आज तुम लोगों को इसके आंसर की भी भेज दूंगी संकल्प वाले रूप में, ठीक है, अभी नहीं थोड़ी देर से भेज दूंगी, ठीक है, अभी तो क्लास है, चलो। सो मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर,
हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, कीमो रिसेप्टर्स, ये सब कहानी कॉकरोच की चल रही है, कॉकरोच की कहानी है, समझे? ब्लड ग्लैंड इन अर्थवॉर्म, चलो जल्दी 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 बताओ। प्यारे प्यारे बच्चे सभी आंसर बता दें, यस एब्सोल्युटली करेक्ट है, जिसका भी ए है एब्सोल्युटली करेक्ट है। हमारा ए का सेकंड है, टेस्टिस एंड ओवरी सेम एनिमल में होती है, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट उसी को, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वल स्टेज नहीं है, ठीक है, एब्सेंट होती है, तो बी का थर्ड हो गया, सी का तुम्हारा फोर्थ है, ऑब्वियसली सेंस करने के लिए है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट है, जिनका भी ए है, क्या बात है, छा गए तुम लोग। चलो लास्ट क्वेश्चन है जो कि अब डिस्कस कराऊंगी, उसके बाद क्लास एंड करूंगी, 17th नंबर क्वेश्चन है, तुम लोग जल्दी से आंसर करो, चलो आंसर मी एवरीबॉडी, प्यारे प्यारे बच्चे आंसर करेंगे सभी। हाँ जी, गोनोफोर तुम्हें नहीं पता, स्पर्मेटोफोर तुम्हें नहीं पता कहाँ होते हैं, हाँ क्या तुम्हें नहीं पता है, कॉकरोच की बात हो रही है यहाँ पे, प्यारे कॉकरोच की। हाँ सबसे पहले तो तुम्हारा मैं ए का तुम्हें हिंट कर देती हूँ, फोर्थ है, ठीक है, जो कि तुम लोग अब तुरंत पकड़ लोगे, लेकिन नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि दो ऑप्शन है, इसीलिए मैंने बता दिया। गोनोफोर तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पर होते हैं हमारे, हाँ गोनोफोर तुम्हारे, जब हम बात कर रहे हैं उसकी, सो ये क्या करते हैं, चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा या तुम्हारे बंडल्स ऑफ स्पर्म है तुम्हारे गोनोफोर, ओपनिंग ऑफ एजुकुलेटिंग डक्ट, यस एवरीबॉडी, बी का थर्ड, यस जो भी थर्ड कह रहा है वो अच्छा बच्चा है, और स्पर्मेटोफोर क्या होंगे, सी का हमारा सेकेंड होगा, ठीक है, स्पर्मेटोफोर हमारे बंडल ऑफ स्पर्म होते हैं और ओवियोल्स, तो बट ऑफ करके ओवा में डेवलप कर, तो ऑप्शन इज ऑप्शन क्या है, बी का हमारा, कम ऑन, बी का हमारा थर्ड है ना, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, यस एवरीबॉडी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बिंगो। सो इसी तरह तुम लोगों को सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, ये भी एक मैच द फॉलोइंग है, कर लो यार, मैच आ ही गया तो कर ही लो, तुम लोग क्या तुम लोग रो रहे हो, तुम लोग है ना, टच पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, स्मेल ऑल्फैक्टरी की बात हो रही है, तो सेंस यहाँ पे बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कम ऑन एवरीबॉडी, स्मेल नेजल एपिथेलियम, ठीक है, मैं, अरे यार शिट, चलो मैं इसको मैच करके दिखा देती हूँ, देखो टच पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्मेल नेजल, तो ए का फोर्थ, एक ही में दिया हुआ है क्या, ए का फोर्थ, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, आह सेंसरी पैपिलेट टच, नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा, एक मिनट पढ़ने दो, अरे रुको रुको रुको, पढ़ने दो, टच नेजल एपिथेलियम और अच्छा फॉर्मन मैग्नम और सेंसरी पैपिले हो गया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक तो है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें तो तुम लोगों को, क्यों है ना, ए का हमारा टच का सेंसरी पैपिले हो गया, ठीक है, और स्मेल तो तुम्हारी नेजल हो ही गई, परफेक्ट है, एकदम करेक्टली है, और सी का तुम्हारा क्या होना चाहिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, कैरियल नर्व्स की बात हो गई, और मेडुला ऑब्लिगेटा मैग्नम, यो यो यो, यस डी इज द करेक्ट वन, कृष्णा कृष्णा पिटाई पिटाई समझती हूँ ना, आओगे बेटा तब पड़ेगी तुमको, चलो ठीक है, सो बाय बाय करो मैम को, सो मैं आंसर की तुम लोगों को भेज दूंगी आज, आज तुम्हें रात तक मिल जाएगी, आराम से मौज करो तुम लोग, समझे, आराम से, ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, जॉइन अस फॉर जॉइनिंग अस, और इसी तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना है, अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहना है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को बड़ी सी घंटी के साथ, न्यू इरा नीट यूजी वाले चैनल को हमारे, ठीक है, और प्लीज बच्चों, हाँ रेगुलर आना है क्लास में 5:30, ठीक है, मैम से मिलने के लिए, ओके बाय अनुराग, बाय आरुषि, थैंक यू बच्चा फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू रियली रियली थैंक यू, वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे, और प्लीज प्लीज मैम को सपोर्ट करने के लिए स्टेटस पे अपने मैम के वीडियोज भी लगाइए, ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय बच्चों।